आज हम पदार्थ विज्ञान का सबसे पहले विषय जो है आयुर्वेद निरूपण वो करते हैं। तो देखो, आयुर्वेद शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेद। आयु का अर्थ क्या हुआ? जीवन। और वेद शब्द जो है वो विद धातु से, यानी विद का मतलब होता है ज्ञान, यानी जानना या ज्ञान करना। तो विद धातु से वेद शब्द बना है, तो यानी आयु का ज्ञान करना। तो संयुक्त अर्थ आयुर्वेद का हुआ कि वो शास्त्र जिससे आयु की संपूर्ण सत्ता का ज्ञान हो। आयुर्वेद में यानी सुख आयु, दुख आयु, हित आयु, अहित आयु, ये यानी चार तरह की आयु बताई गई है। तो जिस शास्त्र में ये चारों प्रकार की आयु का वर्णन है उसे आयुर्वेद कहते हैं। और अगर हम इसकी शास्त्र की दृष्टि से निरुक्ति करें तो जिस शास्त्र में आयु का ज्ञान हो, यानी आयुर्विंदति इति आयुर्वेद है, जो शास्त्र आयु का ज्ञान प्राप्त कराए उसे आयुर्वेद कहते हैं। तो भी इस सूत्र को अच्छे से सबने करना है, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। हिताहितम यानी जिस शास्त्र में हितकर और अहितकर, सुखम दुखम इज सुखायु और दुखायु, सुख संज्ञकम आरोग्यम यानी आरोग्य को भी सुख संज्ञा दी गई है और रोग को दुख संज्ञा दी गई है। तो जिस शास्त्र में हित अहित सुख और दुख आयु का वर्णन है, फिर उसके बाद क्या लिखा है, आयुस्तस्य, और उस जीवन में उसके लिए क्या हित है क्या अहित है, यानी कौन से आहार विहार औषध हितकर हैं, यानी पथ्य हैं, यूजफुल हैं, और कौन से अहितकर मीन्स हार्मफुल हैं, उनका वर्णन। मानम से तच्च और आयु का मान यानी आयु का नापदंड, इस सब का जिस शास्त्र में वर्णन है उसे आयुर्वेद कहा गया है। तो यानी आयुर्वेद की परिभाषा में हमने ये सूत्र याद करना है, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। अब इसके बाद हम लोग करते हैं आयु की परिभाषा। तो आयु का लक्षण है, शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगोधारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च प्रायर आयुर उच्यते। तो यानी शरीर इंद्रिय आत्मा और मन, इनके संयोग को आयु कहा गया। यानी जब तक शरीर इंद्रिय और आत्मा और मन आपस में मिले रहते हैं तब तक उसकी संज्ञा आयु है। और ये जो धारी जीवित नित्य और अनुबंध हैं ये आयु के पर्याय कहे गए हैं। अब इन शब्दों का एक एक अर्थ बता देती हूँ। जैसे पहला है धारी, तो धारी मीन शरीर जो धारण किए रहते हैं हम, आत्मा के साथ जब तक जीवित शरीर रहता है उसको धारण किए रहते हैं, तो इसी वजह से इसको धारी कहते हैं। यानी जब तक शरीर गलता सड़ता नहीं, जब डेथ हो जाती है तो गलने सड़ने लग जाता है, तो इस तरह से शरीर को गलने सड़ने से रोकने वाला, शरीर को धारण करने वाला होने से इस आयु को धारी कहा गया है। उसके बाद है जीवित, जीवित मीन्स जब तक हम जिंदा रहते हैं, जीव मीन्स आत्मा, तो यानी मनुष्य शरीर या कोई भी प्राणी जिसमें प्राणों को धारण किया करके रखता है उसको जीवित कहा गया है। नित्य ग, ग मीन्स जाने वाला, निरंतर गति के कारण, यानी आयु निरंतर गति के कारण क्षीण होती रहती है, इसलिए इसे नित्य भी कहा गया है। उसके बाद है अनुबंध, बंध मीन्स बंधना, यानी प्राण जो है अपने शरीर से बंधे रहते हैं इसलिए इन्हें अनुबंध कहा गया। तो उन्हें आयु शरीर के साथ बंधी हुई है और प्राण शरीर से अनुबंध होने के कारण इसे आयु कहा गया है। तो यानी शरीर जब तक हम धारण किए रहते हैं उस पूरी आयु को हम आयु कहते हैं, यानी जब से जन्म होता है और मृत्यु होने तक। परंतु आजकल आधुनिक साइंस में क्या है, डे ऑफ कंसेप्शन से गर्भकाल को भी काउंट करते हैं। अगर किसी को एल्डर बताना हो तो जिसका डे ऑफ कंसेप्शन पहले है, चाहे उसका जन्म लेट भी हुआ हो, तो उसको हम एल्डर मान सकते हैं। परंतु जो व्यवहार में हम लोग यूज करते हैं वो डे ऑफ बर्थ से लेकर डे ऑफ डेथ तक, जितना भी आयु का डेज में, वर्षों में, महीनों में जो भी आयु का प्रमाण होता है उसको हम आयु मान लेते हैं। उसके बाद है आयु के भेद। तो आयु के चार भेद हैं, सुखायु, दुखायु, हितायु और अहितायु।